नमस्कार दोस्तों, एक्सप्रेस प्रिंटिंग की एक और नई ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं 5-in-1 मशीन के से जो हमारे अलार्म क्लॉक जो प्रिंट होते हैं वो किस तरीके से प्रिंट होंगे, किस तरीके से साइज़ आपको लेना है, उसकी बेसिकली हम ट्रेनिंग की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का हमारा ये अलार्म क्लॉक होने वाला है। ये अलार्म क्लॉक इस तरीके से आते हैं। इसमें बेसिकली अलार्म क्लॉक इस तरीके से आपको मिला होगा, इस तरीके से चार शीट्स आपको मिलती हैं 2x2 इंच की। इसको मैं आपको पूरा ऑन कर देता हूँ, निकाल के दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये आपका देखने को मिलेगा। आपको बात करूँ इसमें कि किस तरीके से इसको चलाना है, इसमें इस तरीके से इसमें 3 सेल आपके लगने वाले हैं। मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा किस तरीके से लगेंगे। पहले हम प्रिंटिंग की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको प्रिंटिंग से पहले आप में इसमें कुछ चीज़ें दिखा देता हूं आपको कि किस किस चीज़ का क्या क्या बटन है। ये डाउन का, ये सेट का बटन है। अगर आपको अलार्म आपका अलार्म सेट करना है, टाइमिंग वगैरह सेट करनी है, तो आप इसके थ्रू आप कर सकते हो। इससे आप बढ़ा सकते हो टाइम को, या फिर अगर आप कोई भी टाइम या सेकंड आप बढ़ाना घटाना चाह रहे हो, घंटा हावर बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप इससे बढ़ा सकते हो और इससे कम कर सकते हो। इससे लाइट आपकी ऑन होगी और इससे ऑफ होगी आपकी। ठीक है, तो ये इन बटनों का ये काम है। इसमें 3 सेल बेसिकली डलने वाले हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा आपको कि किस किस तरीके से ये काम करेगा। इसको मैं अभी यहाँ पर बंद कर देता हूँ। बात करें अगर हम प्रिंटिंग की, तो प्रिंटिंग में आपको ये 4 की 4 पीवीसी शीट बेसिकली मिलेंगी। ये गमिंग की बेसिकली शीट्स होती हैं। इधर ये गमिंग साइड मिलेगी और इस तरफ ये आपको प्रीमियम लुक देगा। इधर पे ग्लोसी टाइप होगा, तो इस तरफ आपको पीवीसी पे आपको प्रिंट करना है इस तरफ से, जिस तरफ ये आपकी शाइनिंग कर रही है। और इस तरफ देखिए, आपकी शाइनिंग नहीं कर रही है, तो इस तरफ आपको प्रिंटिंग नहीं करनी है। जो आपने प्रिंटिंग करनी है वो इस तरफ करनी है। ये 4 शीट्स आपको बेसिकली मिलेंगी। 4 मैं बता भी देता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पर लगेंगी। इस तरफ तो लगेगी नहीं, इस तरफ बटन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, इस तरफ स्क्रीन दी हुई है। तो 2 तरफ को छोड़ के इसमें टोटल 1, 2, 3 और 4 चार साइड्स हैं इसमें, और चारों की चारों शीट्स हमारे पास बेसिकली अवेलेबल हैं। ठीक है, इसका डिज़ाइन कैसे बनना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके जो टेम्पलेट्स हैं इस तरीके के, ये साइज़ के टेम्पलेट्स आपको हमारी तरफ से मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 8826532172 कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, इस पर मैसेज कीजिए, आपको पूरी ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इसके साइज़ वगैरह डायमेंशन आपको मिल जाएंगी। इसी की नहीं, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, इनकी अधिकतर की आपको डायमेंशन वगैरह सारे टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हमारे लिंक पर। आप हमें ड्राइव का लिंक व्हाट्सएप पर भेज सकते हो मैसेज कि हमें लिंक चाहिए। ठीक है, जो मैं प्रिंटिंग बेसिकली करने वाला हूँ, इस तरीके की करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो साइज़ की ही आती है, इसलिए मैंने टेम्पलेट्स ऑलरेडी बना रखे हैं। इनकी CDR फाइल्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है, JPG फाइल्स हैं, वो आप ओपन कर सकते हो अपने। अगर आप फोटोशॉप इस्तेमाल करते हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप कोरल ड्रॉ करते हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी जो इसमें हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको मैं अभी थोड़ा साइड में रख देता हूँ। मशीन काफ़ी हीट हो रही है, तो सभी सब्लिमेशन पेपर को अभी थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। मैं मशीन को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। ये हमारी सब्लिमेशन टेप है। ठीक है, ये मैंने मिरर में निकाले हुए हैं। जो भी प्रिंटिंग आपकी सामने होती है ना, वो हमेशा मिरर में प्रिंट निकलता है उसका। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये लगाया। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अभी ये मेरा 2 इंच का है, ये मेरा 2 इंच का है। अगर मेरे को इस पे पूरे पे प्रिंट करने है, तो हमें हमेशा प्रिंट जो निकालना होता है वो हमेशा 2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब कि जितना भी आप साइज़ है आपका, अगर इसका साइज़ 2 इंच है तो आपको 2.25 इंच आप निकाल सकते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। उसका रीज़न ये होता है, अगर थोड़ा बहुत भी PVC शीट इधर उधर होती है, शिफ्ट होती है, तो आपका प्रिंट ख़राब नहीं होता, प्रिंट आपका एक्यूरेट आता है। जैसे अभी आप देख सकते हो मैंने ये इस तरीके से रखा, और देखो ब्लैक पोर्शन अलग दिख रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा पोर्शन है ये। ठीक है, अभी मैं इसमें सब्लिमेशन टेप इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं, और इसमें सब्लिमेशन टेप पूरे पे लगा देता हूँ। उससे क्या होगा ना, हमारा पेपर का अलाइनमेंट अच्छा होएगा। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको इधर से मोड़ दिया। ठीक है, और ये वाला ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये वाला मैंने इस तरीके से लगा दिया। इसमें कोई पीलिंग वगैरह अभी आपको करनी नहीं है। काफ़ी कस्टमर्स होते हैं जो इसकी पीलिंग्स पहले कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसे अलार्म क्लॉक में प्रॉब्लम आती है, फ़ोन करते हैं कस्टमर मेरे पास, जो इस तरीके का ये है, ये प्लास्टिक का जो अलार्म क्लॉक है, इसको ही मशीन के अंदर रख देते हैं सब्लिमेशन पेपर, तो वो आपने नहीं करना है। आपको जो PVC शीट्स मिली होंगी उन पर आपको प्रिंट करना है। फिर PVC शीट कैसे चिपकानी है वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ वीडियो में। अगर आपको इसके डिज़ाइन से रिलेटेड अगर आपको पता करना है, तो वीडियो के लास्ट में मैं प्रिंटिंग के बाद इसका डिज़ाइन भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपने इसका डिज़ाइन निकालना है। कोरल ड्रॉ की मैं ट्रेनिंग दूंगा कि अलार्म क्लॉक का किस तरीके से आपने डिज़ाइन निकालना है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया,
ये मैंने इधर लगा दिया और ये मैंने इधर, ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे इस पर लग गया। अभी मैं दूसरे वाला भी इस तरीके से सेम प्रोसीजर है, सेम चीज़ों का इस्तेमाल करके, टेप का इस्तेमाल करके इसको मैं बिल्कुल ठीक अलाइनमेंट कर लेता हूँ। ट्राई करते हैं कि अलाइनमेंट वीडियो में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सीधा दिखे। ये लीजिए, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट जब हम प्रिंट करते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, वो मैं मानता हूँ बात, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे, जैसे जैसे आप काम करने लगोगे, जैसे मेरे काफ़ी दोस्त होते हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा घबराते हैं और थोड़ा अलाइनमेंट ख़राब भी होता है, वो मैं मानता भी हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दो बार ख़राब करोगे, तीसरी बार अपने आप परफेक्ट काम करने लगोगे आप। ये लीजिए, अगर आपको इसका अलार्म क्लॉक का प्राइस वगैरह जानना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए होंगे, दो नंबर हमारे दिए होंगे, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे मैंने ये दोनों के दोनों रेडी कर दिए हैं, ठीक है, मैंने अलग अलग कटिंग नहीं की, मैंने दो दो कर दिया, अगर मैं एक पेज पे भी रखता तो भी सही था, अभी मैंने दो अलग अलग कर रखे हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अभी मैं मशीन का आपको बता देता हूँ कि क्या टाइम रखना है और क्या टेम्परेचर आपने रखना है। जो टाइम टेम्परेचर रखना है वो आपको 350 डिग्री आपको टेम्परेचर रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम 350 डिग्री, और जो टाइमिंग रखनी है वो केवल और केवल 60 सेकंड रखनी है, जो हम नॉर्मली रखते हैं सबलिमेशन में, टी शर्ट्स वगैरह में और फ्रेम वगैरह में, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, उसमें चार बटन आपके बेसिकली दिए हैं। सबसे पहले तो आपने मशीन उठानी है, काफ़ी लोग ये मशीन को डाउन करके मशीन को हीट पर लगा देते हैं, सबसे पहले ये आपको ऊपर करनी है मशीन, ठीक है। अभी मिनिमम पहली बार मोड पर क्लिक करोगे मिनिमम टेम्परेचर, इससे घटाओ और इससे बढ़ाओ, ठीक है, मैंने मिनिमम टेम्परेचर 350 सेट किया हुआ है। दूसरी बार क्लिक करोगे मैक्सिमम टेम्परेचर भी, मिनिमम और मैक्सिमम हमारी मशीन का सेम है। तीसरा आ जाता है टाइमिंग, कि आपको टाइमिंग क्या रखनी है, तो आपको टाइमिंग 60 सेकंड रखनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। चौथा आ जाता है प्रेजेंट टेम्परेचर, प्रेजेंट टेम्परेचर अभी हमारी मशीन पूरी रेडी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी मशीन बीप भी कर रही है, ठीक है। अभी काफ़ी लोगों का ये भी डाउट रहता है, सब्लिमेशन टेप का इस्तेमाल आप क्यों करते हो, आप नॉर्मल टेप का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते करते हो, तो सब्लिमेशन टेप का बेसिकली इस्तेमाल इसलिए होता है, अभी आप मैं प्रिंटिंग आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप प्रिंटिंग करोगे ना, तो ये जो इसका जो प्रिंट है ना, वो आप जो इसकी टेप है वो पिघलेगी नहीं, वो बिल्कुल एक्यूरेट की एक्यूरेट रहेगी। अभी देखो, अभी काफ़ी लोग क्या करते हैं, इस जैसे सब्लिमेशन पेपर ये ऊपर की तरफ हमेशा होना चाहिए सब्लिमेशन पेपर, ताकि हीट सब्लिमेशन पेपर पे पड़े, काफ़ी लोग इस तरीके से रख देते हैं, तो प्रिंटिंग नहीं हो पाएगी। इस तरीके से आपने ये रखना है, ये मैंने रख दिया यहाँ पे, और मशीन को मैंने कर दिया डाउन, और यहाँ पे लास्ट वाला बटन मैंने क्लिक कर दिया है। अब देख सकते हो आप, इसका काउंटडाउन बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी 52 सेकंड हो गई हैं। इस तरीके से आपको काउंटडाउन जैसे ही डिक्रीज होगा उस तरीके से हो जाता है, ठीक है। जब तक काउंटडाउन स्टार्ट होता है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सेल किस तरीके से डालने हैं। इस तरीके से आपने सेल इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। अभी हमारी मशीन जो है वो काउंटडाउन पूरा हो गया है, मशीन बीप कर रही है, देखो ये मैंने बीप बंद कर दी, और अभी मैं इसको उठा लूँगा, ये मैंने पुल कर लिया और इसको कर दिया साइड में, ये भी इस पर चिपक गया, ले लीजिए, ये मैंने इसको उठा लिया और मैं मशीन को लेकर आ जाऊँगा पोजीशन पे। ये मैंने यहाँ पे रख दिया, काफ़ी गर्म है ये मशीन, मैंने अभी बंद कर दी है, ठीक है। अभी मैं इसकी हॉट पिलिंग ही बेसिकली मैं कर लूँगा, कोल्ड पिलिंग भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोल्ड पिलिंग करनी है आप कोल्ड पिलिंग भी कीजिए। ये देखो, इस तरीके से आपको प्रिंटिंग की क्वालिटी मिलेगी, इसमें प्रिंटिंग की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, पीवीसी शीट बेसिकली बहुत अच्छी क्वालिटी की हमने इस बार इंपोर्ट की है। ट्राई करा कीजिए, आपकी जो भी आइटम आप यूज़ कर रहे हो वो इंपोर्टेड आइटम यूज़ करो, क्योंकि आप इंपोर्टेड आइटम में आपको क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। मैंने पेपर का इस्तेमाल इंपोर्टेड का किया हुआ है, ठीक है, मैंने इंक का इस्तेमाल इंपोर्टेड का किया हुआ है आपका। ये लीजिए, ये मैंने इसको, ये टेप मैंने हटा के ये भी साइड में कर दिया। अभी मैं इनकी सबकी सब्लिमेशन टेप हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने इधर रख दी सब के सब। ले लीजिए, ये तीसरा हो गया और ये चौथा आपका हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आपको लगाने से पहले मैं इसका सेल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से, जैसे ये मेरे पास छोटे सेल हैं, आप एक सेल को ऐसे लगाइए इसमें, दूसरे सेल को इस तरीके से लगा लीजिए और तीसरे को इस तरीके से, ये देखें स्टार्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा अभी कि इसमें लाइट किस तरीके से आपको जलानी है, मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं इनको लगा करके दिखा देता हूं आपको। ये मैंने इसका हटाया, सबसे पहला ये इस तरीके से सीधा है,
इसकी जो बेसिकली हमने कटिंग की हुई है वो 2x2 इंच की हुई है ताकि वो अच्छा लगे। अगर आप चाहते हो कि आपके क्लॉक पे आपको बड़ी कटिंग चाहिए तो हम आपको 2.5 इंच या 3 इंच की कटिंग हम आपको दे सकते हैं। बेसिकली 2.5 इंच से तो बड़ा होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने इसको ये पिल ऑफ किया, वो हटा दिया। पीवीसी शीट है, गमिंग वाली पीवीसी शीट का आप इस्तेमाल किया करें, काफ़ी लोग सस्ते के चक्कर में विदाउट गमिंग की शीट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आप उसका इस्तेमाल करो। ये दूसरी तरफ लगा दिया मैंने आपको इस तरीके से, मैंने ये तीसरी तरफ भी मेरे को इसकी पिलिंग करनी पड़ेगी। लीजिए, ये तीसरी तरफ का मैंने निकाल दिया। वीडियो को आप देखते रहिए, एक लाइक भी दे दीजिए करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा एक्सप्रेस प्रिंटिंग को तो उस चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके की ट्रेनिंग वीडियोस में हम अपलोड करते रहेंगे, टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी, वीकली, एक वीक में, दो वीक में आपको वीडियो मिलती रहेंगी। इस तरीके से मैंने ये चौथी तरफ मैंने यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इसको बीचों बीच। ठीक है, ये देखिए चारों तरफ मेरा लग गया है। अभी मेरे को क्या करना है, इस कवर को बंद करना है। ये लीजिए, ये बंद भी हो गया है। ठीक है, इस तरीके की बॉक्स की पैकिंग इसकी बेसिकली आएगी आपको, कि मैं खुले वाला ही दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके की बॉक्स की पैकिंग आएगी, पूरे का पूरा इंपोर्टेड है। ठीक है, मेड इन चाइना है, बहुत अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी में बेसिकली आता है। मैं भी आपको लाइट ऑफ करके भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखने वाला है। ये लीजिए, इस तरीके से ये दिखने वाला है आपको। इसके कलर क्या चेंज होते रहेंगे, इसके कलर अपने आप, जैसे ही आप इसको ऑन करके रखें, अभी आपने दूसरा कलर देखा था, अभी आप में इसमें दूसरा कलर आ जाएगा। इस तरीके से इसमें कलर काफ़ी चेंज होते रहते हैं, जैसे अभी ब्लू आया है, अगर आप इसको थोड़ा सा रखोगे तो ये दूसरा कलर आ गया। ये देखिए, ये रेड कलर आ गया है इसमें, ये अलग अलग कलर इसमें आते रहते हैं। ये देखिए, इस तरीके का ग्रीन कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। देखिए कितने बेहतरीन ये लुक देता है, प्योर इंपोर्टेड आइटम है, सारा का सारा पूरा होलसेल में आपको ये हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। टेम्परेचर हमने जो रखा 350 डिग्री रखा है, टाइमिंग जो रखी है वो हमने 60 सेकंड रखी है। तो इस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि टाइम टेम्परेचर क्या होता है प्रिंटिंग में। पीवीसी शीट ये हमारी होती है, गमिंग वाली जो हमारी होती है, अगर ठीक है।